भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं वाली 5वीं स्वदेशीकरण सूची की जारी। भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां की तेज, सीएम योगी ने बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार की रात को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों की मुलाकातें अलग अलग हुई। बैठक में सभी नेताओं को मिलकर विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर फोकस करने और सभी 10 सीटें जीतने पर ध्यान देने को कहा गया है। इसके साथ ही इन 10 सीटों पर वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप, शराब नीति में जानबूझकर किया गया बदलाव। सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अब खत्म हो चुकी शराब नीति में बदलाव और हेराफेरी की, जिसके कारण थोक विक्रेताओं को गोवा में चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की अवैध संतुष्टि के बदले में अप्रत्याशित लाभ हुआ। भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा में कड़े होंगे सुरक्षा इंतजाम, सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। सावन का महीना शुरू हो चुका है। कुछ लोग इस महीने की शुरुआत पूर्णिमा यानी कि 22 जुलाई से करने वाले हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। दिल्ली से निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा इस बार खास होने वाली है। इस दौरान सेफ्टी के लिए 5000 पुलिसकर्मी और 700 पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे। कर्नाटक में भारी बारिश से तुंगा नदी में उफान, श्रृंगेरी मठ ने की श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील। कर्नाटक में दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठम ने तुंगा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जुलाई को श्रृंगेरी में 190 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि विशेषज्ञों ने रविवार तक बारिश की तीव्रता कम होने की उम्मीद जताई है। मुंबई हवाई अड्डे पर नौकरी के लिए हजारों आवेदकों की लगी भीड़, बनी भगदड़ जैसी स्थिति। मुंबई हवाई अड्डे में लोडर पद के लिए आवेदन देने हजारों की संख्या में उम्मीदवारों के पहुंचने से हवाई अड्डे के पास भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। सहार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार की सुबह की है और जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। भारत ने चागोस द्वीप समूह मुद्दे पर मॉरिशस को दिया समर्थन, जयशंकर ने कही ये बात। भारत ने मंगलवार को चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर मॉरिशस को अपना समर्थन दोहराया, जिसकी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय राष्ट्र ने तुरंत सराहना की। चागोस द्वीप समूह के संबंध में भारत का स्पष्ट सार्वजनिक समर्थन विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा व्यक्त किया गया। जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मॉरिशस के नेतृत्व के साथ बातचीत की खातिर 2 दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। ये द्विपक्षीय संबंध हिंद महासागर क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बजट में कस्टम ड्यूटी में जरूरी बदलावों से घरेलू विनिर्माण को मिलेगी मजबूती। आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ने सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस्पात, सौर बैटरी, एल्यूमिनियम और लिथियम सेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है।